यानी कि जैगरी के बारे में आज आपको बताऊंगा। मीठा हम लोगों सबको पसंद है, क्यों पसंद है मालूम है? हमारे जीभ में मीठा के लिए कुछ टेस्ट बर्ड्स हैं और उसको अगर मिठास मिलेगा तो जाके ब्रेन को बताएगा और फिर ब्रेन उससे खुश हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मीठा बहुत पसंद है, उनको वो एक रिफ्लेक्स बन जाता है, मीठा आते ही मन में खुशी होती है। तो लोग मीठे के लिए ज़्यादातर चीनी खाते हैं। तो चीनी का मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ कैलोरीज होती है और कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मिनरल वनरल कुछ नहीं होती है। और इनफैक्ट क्लीनिंग के लिए जो केमिकल्स होता है वो भी चीनी में होता है, तो इसलिए चीनी को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, पर गुड़ को फिर ठीक मानते हैं। तो अगर आपको मिठास लेना है और आपको डायबिटीज़ नहीं है तो गुड़ ले सकते हैं आप। गुड़ का जो मेन फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊँगा। गुड़ पैसे बनता है आपको मैं बता दूँ, जो शुगर केन या कि जो गन्ने का जो रस होता है उसको पहले गन्ने को पीस के उसका रस निकाल लेते हैं, फिर रस को लोग ड्राई करते रहते हैं जिससे वो उसका जो कलर उसको गर्म करके फिर ड्राई करते रहते हैं और उससे उसका कलर चेंज हो जाता है ब्राउनीज कलर का, ये उसी से गुड़ बना लेते हैं, फिर उसको रिफाइन कर करके चीनी के तरफ लेके जाते हैं। तो जो गुड़ तक आता है तहाँ तक कोई खास केमिकल उसमें मिक्स नहीं होती है और इसलिए गुड़ को नेचुरल सोर्स से पाया जाता है, इसलिए गुड़ के फायदे बहुत होते हैं। गुड़ में सबसे बढ़िया बात है सारे तरह के मिनरल होती है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन बहुत होती है, तो ये गुड़ हर वक्त काम की चीज़ है। बस सिर्फ डायबिटीज़ लोगों के लिए थोड़ा गुड़ का प्रॉब्लम होता है। गुड़ भी आपको मैं बता दूं, जो हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमन गुड़ पाया जाता है वो है शुगर केन गुड़, मतलब हो गया गन्ने का जूस का गुड़। पर दो तरह के और गुड़ होते हैं, उनके बारे में और कभी बताएंगे, पर एक होता है खजूर का गुड़ और एक होता है तार का गुड़। ये दोनों सीजनल हैं, हर वक्त नहीं मिलती हैं, पर ठंड के दिन में दोनों गुड़ मिलती है और इनको स्टोर करना भी मुश्किल रहता है क्योंकि थोड़े दिन वो रह जाए तो ख़राब भी हो जाती है। इसलिए खजूर की गुड़ और तार का गुड़ इतना पॉपुलर नहीं है, पर महंगे हैं नॉर्मल गुड़ से। तो गुड़ खा सकते हैं, अगर आपको स्वाद के लिए मिठास चाहिए तो मैं बोलूँगा चीनी से ज़्यादा गुड़ है अच्छा। गुड़ के फ़ायदे क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो गुड़ लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है, तो लीवर के लिए गुड़ बहुत अच्छा है। तो आप गुड़ का पानी का शरबत बना के ले सकते हैं, चीनी का जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, और गुड़ को आप ऐसे में भी खाने में भी खा सकते हैं। एनर्जी का सोर्स है चीनी से, आपको मालूम है इंस्टेंट ग्लूकोज मिल जाता है, तो एनर्जी का सोर्स है गुड़ का पानी। गुड़ बहुत पोटेशियम रिच होती है, तो ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। गुड़ से डाइजेशन में मदद मिलता है क्योंकि वो गुड़ डाइजेशन में मदद करता है, और खून भी बढ़ाने में काम करता है क्योंकि इसमें आयरन होती है, और जो हमारी आंतड़ियों हैं उनको भी हेल्दी रखता है गुड़। तो गुड़ के फायदे बहुत हैं। अच्छा, कब्जियत में भी फायदा करता है गुड़, और सबसे बड़ा बात है गुड़ में जो कोई जिनको सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, खांसी जुकाम ज़्यादा लगती है, उनको गुड़ का सिरप में तुलसी डाल के दिया जाता है, वो भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो गुड़ बहुत फ़ायदे का चीज़ है, सिर्फ आपको डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि गुड़ की जो नॉर्मल ग्लाइसिमिक इंडेक्स है चीनी का अगर 100 है तो गुड़ का 86 है। तो इसलिए याद रखिएगा गुड़ हमारे लिए डायबिटीज़ को छोड़ के हर कोई ले सकते हैं, तो गुड़ लें। अगर आपको चीनी का कोई भी सामान लेना है गुड़ का बना लीजिए, गुड़ के लड्डू होते हैं, गुड़ के बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे मुरमुरा के संग गुड़ को मिला के उसकी लड्डू बनाई जाती है। गुड़ को ऐसे ही आप खाना खाने के बाद एक टुकड़ा सा लेके मुंह में रख के मिठास पैदा कर सकते हैं। गुड़ की आजकल बहुत सारी मिठाइयाँ बनने लग गई है, रसगुल्ला भी बनता है, पर रसगुल्ला में प्रॉब्लम है हार्ट के लिए कि वो दूध से बनता है, तो दूध से जो भी चीज़ बनता है हम लोग हार्ट के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पर गुड़ आप नॉर्मली ले सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है, मैं आपको हेल्थ के बारे में बहुत सारे नॉलेज देता हूँ और ये मेरा हॉबी है। अदरवाइज हमारे हार्ट के सेंटर्स होते हैं पूरे इंडिया भर में, हमारे करीब 100 के ऊपर हार्ट के सेंटर्स हैं जहाँ पे हम बिना बाईपास सर्जरी बिना एंजियोप्लास्टी हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग एक ज़ीरो ऑयल कुकिंग करके एक तरह का नया कुकिंग प्रोसेस बनाए हैं जिस जो हेल्दी के हिसाब से सबसे बेस्ट है।
तो उस जीरो ऑयल कुकिंग के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग, जो कि हर तरह के नए नए चीज़ों को कैसे खाना बनाना। जैसे अभी हमने दो चीज़ लोग बिना ऑयल का सोच ही नहीं सकते हैं, क्या भिंडी और एक है करेला, तो ये दोनों के ऊपर हमने अभी वीडियो डाला, आप जरूर उनको देखिए। थैंक यू सो मच।